अब न इंटरनेट न सिम कार्ड का झंझट, बस एक बटन दबाते ही चलने लगेगा वीडियो। YouTube हो या Instagram या Netflix और Sony, आपके फोन में सब बिना इंटरनेट के ही चलेगा। पीएम मोदी ने इंजीनियर्स को दिया है टास्क, युद्ध से आपदा तक में मिलेगी मदद। हिंदुस्तान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके बारे में पहले तो सुनकर आप फंसेंगे, लेकिन फिर आपको यकीन हो जाएगा। तकनीकी के इस दौर में कुछ भी संभव है। इस तकनीकी का नाम है D2M तकनीक, जिसके आने के बाद आपके मोबाइल फोन में सिम कार्ड तो लगा होगा, लेकिन रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इंटरनेट के लिए अलग से कोई कनेक्शन लेना होगा। बस एक बटन दबाते ही आपका फोन वैसा ही काम करेगा जैसा आज इंटरनेट के दौर में करता है। आप चाहे उस पर पूरी वेब सीरीज देखिए या फिर भारत पाकिस्तान का मैच। अब भी गाँव में जब नेट की स्पीड कम होती है तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन D2M तकनीक सब कुछ बदल देने वाला है। पहले समझिए ये तकनीकी आखिर है क्या, फिर आपको बताते हैं इसके आने से आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी और इसे लाने में कितना वक्त लगेगा। D2M का मतलब है डायरेक्ट टू मोबाइल, मतलब सीधा सैटेलाइट के जरिए आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि सैटेलाइट का पूरा कंट्रोल कोई प्राइवेट कंपनी तो करेगी नहीं, इसलिए इसमें इसरो के वैज्ञानिकों की मदद ली जाएगी। IIT कानपुर के रिसर्चर इस मिशन पर अभी से लग गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये सुविधा आपको मिलने भी लगेगी। आप इस तकनीकी को ऐसे समझिए जैसे TV चलाने के लिए पहले लोग केबल का कनेक्शन लेते थे, उसके बाद DTH यानी डायरेक्ट टू होम के आने से केबल का दौर खत्म हो गया। ठीक वैसे ही D2M के आने से हर मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज करवाने का झंझट खत्म होने वाला है। हालांकि किसी भी नई तकनीकी को अपनाने में वक्त लगता है, इसलिए ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ साल तक सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे D2M का ऑप्शन मिलेगा वो इंटरनेट रिचार्ज करवाना धीरे धीरे बंद कर देंगे। दूर संचार मंत्रालय और प्रसार भारती IIT कानपुर की मदद से इस मिशन पर काम कर रहा है। बाकायदा कमेटी इस पर रिसर्च कर रही है, उसके बाद इस मिशन को जमीन पर उतारा जाएगा। कभी युद्ध या आपात स्थिति आती है तो इंटरनेट बंद होने के बावजूद आप न्यूज लाइव देख सकेंगे। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर दिन इंटरनेट बंद रहते थे, लेकिन इस तकनीकी से अब दिक्कतें कम हो सकती हैं। मतलब सीधे तौर पर सरकार आपको मल्टीमीडिया कंटेंट देगी, उससे पता होगा आप क्या देख रहे हैं। मतलब एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म से लेकर आपके मोबाइल तक पे सरकार की निगरानी होगी, जिसका विरोध भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी मानी जाती है। और फिलहाल इंटरनेट रिचार्ज महंगा होने से बहुत नाराज भी हैं। इसी दौर में किसी नई तकनीकी की बात लोगों को पसंद भी आ सकती है। पहले जो रिचार्ज 30 दिन का होता था वो धीरे धीरे 28 दिन का हो गया। इससे टेलीकॉम कंपनियां करोड़ों कमाने लगी, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अगर ये तकनीकी आई तो फिर टेलीकॉम कंपनियों को भी बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल दूर संचार का जिम्मा अश्विनी वैष्णव के पास है। ये कामकाज के मामले में इतनी सख्त है कि बैठक में BSNL का एक अधिकारी झपकी लेता दिखा तो उसे तुरंत VRS दिलवा दिया। कहते हैं इस तकनीकी को लेकर दूरदर्शी सोच भी उन्हीं की है, जिसके जरिए आप घर बैठे FM रेडियो की तरह बिना इंटरनेट के मनचाहा वीडियो देख सकेंगे। इसके अलावा कई लोगों की डिमांड ये भी है कि अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली सीरीज किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी होनी चाहिए। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।